Click the bell icon to get latest videos from Ikeda. Hello my dear students, last कुछ स्लाइड में हमने देखा था सोशल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की. व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एनवायरनमेंट? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब क्या? इकोनॉमी में जो भी चल रहा है, आपके अर्थशास्त्र में जो भी चल रहा है, वो आपको पता होना चाहिए. बीइंग अ बिजनेसमैन, आपको इकोनॉमिक के रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन अच्छे से पता होनी चाहिए. उसको बोलता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मींस दोज एनवायरनमेंट व्हिच इंपैक्ट्स योर बिजनेस थ्रू इकोनॉमी, इकोनॉमिक कंडीशंस, यस, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस, इकोनॉमिक पोजिशंस. समझ रहे? ये देखने वाले हम आज के स्लाइड में. इट इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. यस माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप स्लाइड पे देख सकते हो, हम आज बात करने वाले हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की. व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमिक एनवायरनमेंट? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हैज डायरेक्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द बिजनेस. इकोनॉमी में क्या चालू है वो तो जानना जरूरी है. बिजनेस एनवायरनमेंट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. इकोनॉमी में जो भी चलने वाला है वो आपके बिजनेस को जरूर से इंपैक्ट देगा. इन्फ्लेशन, प्राइस का राइज होना आपके बिजनेस को इंपैक्ट देगा. डिफ्लेशन, पैसे का वैल्यू कम होते जाना आपके बिजनेस को क्या करेगा? इंपैक्ट देगा. इंटरेस्ट रेट्स, अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स क्या क्या है, लोन के, एफडी के, ये सब भी, बैंक रेट्स क्या क्या है, आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस देगा. करेंसी का रेट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज, एक डॉलर के सामने पैसे का वैल्यू क्या है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ये आपके बिजनेस को इम्पैक्ट देगा. अगर आप फॉरेन बिजनेस एमएनसी हो तो, अगर आप इंटरनेशनल बिजनेसमैन हो तो, ये आपको इम्पैक्ट देने वाला है. ये सब जानना इज नथिंग बट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को जानना. The economic environment consists of various factors which have an impact on business of the organization. बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जो आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस देंगे, इम्पैक्ट देंगे थ्रू इकोनॉमिक कंडीशंस. उसको बोला जाता है क्या? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. इट मेनली कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में तीन, जैसे हमने देखा था पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के तीन पिलर थे, द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी. इसके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के भी तीन पिलर है, तीन मेन चीजें हैं. सबसे पहला इकोनॉमिक कंडीशंस, यही स्लाइड में हम देखेंगे आज ही. नेक्स्ट है इकोनॉमिक पॉलिसीज, क्या क्या इकोनॉमिक्स के रिलेटेड पॉलिसीज बन रही है वो भी देखना है. एंड नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इकोनॉमिक सिस्टम, क्या क्या इकोनॉमिक सिस्टम्स है, क्या क्या सिस्टम्स है इकोनॉमी की, वो भी है. इट इज पार्ट ऑफ एनवायरमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक एनवायरमेंट का पार्ट है. तीन चीजें कौन सी है? सबसे पहला इकोनॉमिक कंडीशंस, सेकंड है इकोनॉमिक पॉलिसीज, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इकोनॉमिक सिस्टम्स. यस, लेट्स मूव टुवर्ड्स इकोनॉमिक कंडीशंस. नेक्स्ट स्लाइड. यस, सो इकोनॉमिक कंडीशंस में देखो क्या क्या आता है. इट रेफर्स टू द एनवायरमेंट टू अ कंट्री, इन अ कंट्री अराइजिंग फ्रॉम द कंबाइंड इफेक्ट्स ऑफ वेरियस फैक्टर्स. क्या बोला है, वापस एक बार रिपीट करता हूं. इट रेफर्स टू द एनवायरमेंट टू अ कंट्री, इन अ कंट्री अराइजिंग फ्रॉम द कंबाइंड इफेक्ट्स ऑफ वेरियस फैक्टर्स. अलग अलग फैक्टर के कॉम्बिनेशन से कंट्री में जो जो इम्पैक्ट आता है उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस. ये फैक्टर्स क्या क्या है देखते हैं. देखो दिया हुआ है लाइक नेचर ऑफ इकोनॉमी, आपका इकोनॉमी कैसा है, तानाशाही, मिक्स्ड इकोनॉमी है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है. समझ रहा है? ये सब आपको का, आपको बीइंग अ सिटीजन आपको फ्रीडम दिया जाता है कि नहीं, कि हर एक चीज ऊपर से डिसाइड होती है. यस, इकोनॉमिक सिस्टम आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देता है बीइंग एन इकोनॉमिक कंडीशन. देखो इकोनॉमिक कंडीशंस आपको बिजनेसमैन होके जाननी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखो कैसे टाइप का आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, कैसे टाइप का आपका गवर्नमेंट रेगुलेटरी सिस्टम है. मिक्स्ड इकोनॉमी हो, देखो यहाँ पे इंडिया इज मिक्स्ड इकोनॉमिक वाला कंट्री. मतलब क्या, यहाँ पे लोग पॉलिटिकल पार्टी को चूज करते हैं और फिर दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एंड दे डिसाइड द क्या बोलते हैं प्लान्स ऑफ द कंट्री. तो यहाँ पे सिटीजन्स को राइट है, इसके लिए इसको मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं. सिटीजन्स
पॉलिटिकल पार्टीज को चूज करते हैं और वो आगे रेगुलेट करते हैं. यस, सो इट इज कॉल्ड एज मिक्स्ड इकोनॉमी. इंडिया इंडिया में बिजनेस करना हो कोई बाहर वाले कंट्री को, तो इंडिया इंडिया के क्या क्या इकोनॉमिक कंडीशन है वो जानना जरूरी है. और उसमें सबसे पहला है नेचर ऑफ इकोनॉमी. सेकेंड है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. आपने सुना होगा यूएस यूके इज डेवलप्ड कंट्री, इंडिया इज फास्टली ग्रोइंग डेवलपिंग कंट्री. कुछ कुछ कंट्रीज है जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज बोला जाता है, तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज बोला जाता है, उसको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी बोलते हैं, जिसका डेवलपमेंट इज वेरी 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 लेस. जिसको डेवलप करने का छोड़ो, वो कंट्री का सर्वाइवल भी मुश्किल में है, उसको बोलते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्री. तो आपका, आप जहाँ पे बिजनेस करने वाले हो उसका कौन सा स्टेज ऑफ डेवलपमेंट चालू है, क्या वो अंडर डेवलप्ड है, क्या वो डेवलपिंग है, क्या वो डेवलप्ड है, जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. अगर कोई अंडर डेवलप्ड कंट्री में आप अगर समझो फेरारी कार लेके जाओगे, एक भी जन नहीं लेगा, क्योंकि इट इज अंडर डेवलप्ड कंट्री. वहां के लोगों के खाने के वांदे है, आप फेरारी कार क्या बेचोगे 2-5 करोड़ की, समझ रहे हैं. अगर समझो यूएस यूके जैसी कंट्री में कोई ऐसा चीप प्रोडक्ट लेके जाओगे तो वहां पे नहीं चलेगा, वहां पे लोग नहीं लेने वाले चीप प्रोडक्ट्स, समझ रहे हैं. बट वो चीप प्रोडक्ट्स अंडर डेवलपमेंट चले, अंडर डेवलपमेंट कंट्री में चलेंगे, और जो पॉश चीज़ें हैं, जो महंगी चीज़ है, वो डेवलप कंट्री में चलेगी. तो बिजनेसमैन को ये जानना जरूरी है कि आप जहाँ पे बिजनेस कर रहे हो उसका इकोनॉमिक कंडीशन का एक पार्ट, दैट इज स्टेज ऑफ डेवलपमेंट कौन सा है, वो जानना जरूरी है. नेक्स्ट पॉइंट, लेवल ऑफ इनकम. अगेन ऊपर के पॉइंट से डायरेक्टली रिलेटेड है. अगर लेवल ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा है वो कंट्री के लोगों का, वहाँ पे प्रीमियम प्रोडक्ट्स बेचो, समझ रहे हैं, वहाँ पे आईफोन ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा एप्पल कंपनी का. यस, बट जहाँ पे लेवल ऑफ इनकम कम है वहाँ पे एप्पल ज़्यादा नहीं बिकेगा, वहाँ पे थोड़े लोअर एक्सपेंडिचर वाले सेल फोन्स बिकेंगे. यस, नेक्स्ट पॉइंट इज नेचुरल रिसोर्सेस. अगर समझो इंडिया में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट सस्ते में मिलेंगे, बट वही बाहर के कंट्री में जाओगे इतना सस्ता नहीं होगा. यस, ऑयल का जो रेट है वो गल्फ कंट्री में थोड़ा कम होगा, पर अगर इंडिया में चाहिए तो उसका रेट ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे वो रिसोर्सेस ज़्यादा है, यहाँ पे नहीं है. तो कहाँ पे रिसोर्स के हिसाब से क्या होगा, रिसोर्स जानने जरूरी है. आपके कंट्री में क्या क्या रिसोर्सेस है, वो हिसाब से आप बिजनेस को क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो. यस, नेक्स्ट पॉइंट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. आपके कंट्री में इंडस्ट्री कितनी डेवलप है, कौन से इंडस्ट्री में डेवलपमेंट एट पीक है, कौन से इंडस्ट्री का बैंड बजा पड़ा है, ये जानना जरूरी है. अगर कोई ऐसा इंडस्ट्री आपने चूज कर लिया जिसका बैंड बजा पड़ा है, तो आपका बिजनेस खतरे में हो सकता है, इट इज वेरी 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 रिस्की बिजनेस. पर अगर ये बिजनेस आपके कंट्री में एकदम पीक पे है, वहां पे जाओगे, यस, आपका बिजनेस बहुत चलेगा, समझ रहा है, ये भी जानना जरूरी है. नेक्स्ट पॉइंट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट. अरे बाबा, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली डिसाइड करता है आरबीआई. आरबीआई ऐसे ही डिसाइड करता है कि एफडी का, चलो अभी का रेट होगा 7%, अभी का रेट होगा 9%, 10%, ऐसा डिसाइड होता है कि नहीं. बहुत सारे एक्सपर्ट आते हैं और फिर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है. जनरली ये चीज ध्यान रखो, अगर हम एफडी का बात करते हैं, फिक्स डिपॉजिट, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम उतना ही आपका कंट्री डेवलप्ड है. जितना, क्योंकि देखो डेवलप कंट्री में क्या होता है, सेविंग हैबिट्स उनकी ऑलरेडी रहती है. बैंक्स क्यों होते हैं, ताकि आपके सेविंग हैबिट्स बढ़ाए, समझ रहे हैं. इकोनॉमी में पैसे जो ज़्यादा ही क्या बोल रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, उसको सेविंग हैबिट्स बढ़ाए, तो सेविंग हैबिट्स बनाने के लिए बैंक रखे. डेवलप कंट्री में क्या होता है ना, लाइक जापान, वहाँ पे आप इंटरेस्ट रेट देखोगे तो आप हिल जाओगे, 1% से भी कम है, समझ रहा है. कभी कभी नेगेटिव परसेंटेज में जाते हैं उनके इंटरेस्ट रेट के. बाबा तेरे को इधर एफडी बनाने का, तू रुपए दे क्योंकि तेरे पैसे मैं संभाल रहा हूँ. उनको सेविंग हैबिट्स डालना ही नहीं है. वहाँ के कंट्री, वहाँ के बैंक्स ऑलरेडी सेल्फ सफिशिएंट है, समझ रहा है. पहले देखो इंडिया का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एफडी वॉज अप्रॉक्स अराउंड 10%, 9%. नाउ इट हैज बीन शिफ्टेड टू 6.75%, विच इज गुड साइन. लोगों को लगता रहे यार इंटरेस्ट रेट कम हो गया, यार अपना कंट्री डेवलप नहीं हो रहा है. उल्टा अपना कंट्री डेवलप हो रहा है, अगर इंटरेस्ट रेट कम कम होते जा रहे. तो इंटरेस्ट रेट कम होना मतलब क्या होता है, बैंक नहीं बोल रहा मेरे पास पैसे छोड़ के ही जा, मतलब सेविंग हैबिट्स इकोनॉमी में ऑलरेडी बहुत अच्छी है. आप यहाँ पे रखोगे ठीक है, 6.75 मिलेगा, ठीक है. नहीं रखोगे तो खुद के पास रखो, बैंक इज सेल्फ सफिशिएंट, समझ रहा है. रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर ऑफ बिजनेस. यस, नेक्स्ट पॉइंट इज एम्प्लॉयमेंट रेट. जितना एम्प्लॉयमेंट ज्यादा उतना लोगों का
परचेसिंग पावर ज्यादा उतना ही लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा, और अगर सब लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा, अगर कंट्री में जो जो लोग है सभी काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट रेट अगर 100% है तो कंट्री डेवलपिंग हो ही नहीं सकता, डेवलप्ड ही होगा, समझ रहा है, क्योंकि हर एक लोगों का परचेसिंग पावर बहुत ज्यादा अच्छा है, परचेसिंग पावर ज्यादा है अच्छा है मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर सबका अच्छा है तो ऑब्वियसली वो कंट्री डेवलप्ड है। यस, नेक्स्ट इज कैपिटल फॉर्मेशन एक्सेट्रा। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या, कैपिटल कैसे आ रहा है आपका बिजनेस में, मशीनरी ज्यादा है या लेबर ज्यादा है, कैपिटल आ कैसे रहा है, क्या लोग इक्विटी शेयर्स में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं या डिबेंचर में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, या लोग एफडी पे ज्यादा भरोसा रख रहे हैं, ये सब भी डिपेंड करता है आपके इकोनॉमिक कंडीशन पे, आपके बिजनेस के इकोनॉमिक कंडीशंस में ये जानना जरूरी है कैपिटल फॉर्मेशन कैसा है मेरी कंपनी का। यस, ये सब थे आपके फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यस, इकोनॉमिक कंडीशंस डिटरमाइन द पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट प्रिवेलिंग इन द कंट्री। इकोनॉमिक एनवायरमेंट हमने देखा था ना, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के तीन पिलर थे और उसमें से ये एक पिलर है इकोनॉमिक कंडीशंस। यस, सो दीज आर द इकोनॉमिक कंडीशंस एंड दीज आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक कंडीशंस। यस, रेट ऑफ इंटरेस्ट का बढ़ना कम होना, इट डिसाइड्स इकोनॉमिक कंडीशंस, एंड इकोनॉमिक कंडीशन डिसाइड्स द इकोनॉमिक एनवायरमेंट ऑफ द बिजनेस। यस, सो बिजनेसमैन को ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि इकोनॉमिक कंडीशंस क्या क्या है। सो दिस स्लाइड इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक एनवायरमेंट एंड उसमें भी उसका एक पार्ट है इकोनॉमिक कंडीशन, उसके बारे में हमने डिटेल में देखा। आगे के जो दो पार्ट है वो हम देखने वाले हैं आगे की वीडियोज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माई डियर स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब ईकीड़ा चैनल एंड प्रेस ऑन बेल आइकन। थैंक यू।